हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो समर की मम्मी आ गई हैं सीन में, और पर कहाँ से आई हैं ये तो वही जाने भाई। यहाँ पैसे की तो कोई बात चल नहीं रही है, और यहाँ पे समर की माँ के हाथ में पैसे भी नहीं थे। समर की मम्मी को पूरा कहानी अंकित ने बताया कि मुझे पंडित की बेटी से शादी करनी है और ऐसा ऐसा मेरा प्लानिंग है। और यहाँ पे समर की मम्मी ने हामी भरी है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अरे भाई शर्म करो, इतनी भोली भाली बन के बैठी हो जैसे तुमने तो कुछ किया ही नहीं हो। अब तो आपको आप बोले मुझे शर्म आ रहा है, क्योंकि ऐसी माँ जो अपने बेटे को चूल्हे में झोंक दी और यहाँ बैठी हो आराम से रेड वेलवेट बन के, और यहाँ पे अपने अंकित को बोल रही हूँ कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मेरे बेटे के लिए कहीं तुम्हारी जिंदगी ना खराब हो जाए। अरे वाह, अभी तो अंकित बहुत प्यारा हो गया आपको। अंकित की जिंदगी खराब हो, सवरे या बर्बाद हो, इसमें आपको बड़ी चिंता हो रही है। और पंडित की बेटी जो कल तक ऐसे से कर रही थी, वो आज ऐसे से कर रही है कि हाँ मैं शादी के लिए रेडी हूँ, मैं शादी करूंगी। और यहाँ अंकित को शादी करनी है पंडित की बेटी से। अब यहाँ पे समर की मम्मी कह रही है कि ठीक है, मैं पंडित को फोन करती हूँ, मैं पंडित से पहले बात करती हूँ। हाँ, आप तो पहले बात करेंगी पंडित से, क्योंकि सब किया धरा तो आपका है। आप पंडित को पहले शीशे में उतारेंगी, पहले उससे बात करेंगी, आप जो जो कार्यक्रम कर रही थी पहले वो सब के बारे में बातें होगी, तब ना आप अंकित के पास पंडित को बुलाएंगी। और यहाँ पे अंकित को मैं एक चीज़ बोलूंगी कि अंकित, उस लड़की को पंडित के घर तक मत ले जाना। अगर उसको तुमको दिखाना है, जब तक समर तुम्हारे सामने तुम्हारे घर में आके नहीं खड़ा होता पंडित के साथ, तब तक उसकी बेटी को हैंड ओवर मत करना। और अगर शादी करनी है तो वो पंडित के संग तुम बात करो, तुमको शादी करनी है अपना घर बसाओ, पर बिना समर के उस लड़की को मत जाने देना। क्योंकि यहाँ समर की मम्मी बहुत बड़ी षड्यंत्र रचने वाली औरत है, उसके चलते ही उसका बेटा आज ऐसे हालत में है। और यहाँ पे बिना शर्म बिना किसी अफसोस के यहाँ एकदम माथा हिला हिला के बात कर रही है। आपको तो शर्म आनी चाहिए, आपके वजह से आपके बेटे के ये हाल हुई है। और यहाँ पे अंकित को मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि समर की माँ के बातों में तो बिल्कुल मत आना। अगर तुमको अपना दिमाग लड़ाना है तो अपना ही दिमाग लड़ाओ, और जैसे तुम चल रहे हो वैसे ही तुम चलो। पर जब तक समर नहीं आता तब तक इस लड़की को मत जाने देना, क्योंकि जैसे पंडित चालू है वैसे पंडित की बेटी भी चालाक है, और समर की माँ भी कुछ कम नहीं है, वो तो सबसे बड़ी षड्यंत्र औरत है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। जिसमें आज का ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सामने दिखाओ, शक्ल दिखाओ।